दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक आदमी अपने जीवन के 6 महीने शेविंग करने में और अपनी जिंदगी का 1 साल महिलाओं को घूरने में खर्च कर देता है। बड़ा हरामी हो बेटा। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक इंसान एक वर्ष में करीब 5,500 बार हंसता है। और दोस्तों, क्या आपको यह भी पता है कि अधिकतर मर्द अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड के जब साथ होते हैं तो उस टाइम वो अपनी नॉर्मल स्पीड से 7% धीमे चलते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 10 अमेजिंग एंड मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाव, इट्स अमेजिंग। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन, सो लेट्स बिगिन। नंबर 10, दोस्तों, यदि कोई आपसे दूरी बनाना चाहता है तो उसे ऐसा करने दें, क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप उसके जितना नजदीक होने या उसके जितना करीब जाने की कोशिश करोगे, वो इंसान और दूर होता जाएगा। ऐसा सब साइकोलॉजिकली होता है। साइकोलॉजी कहती है कि किसी इंसान को हम जितना ज़्यादा भाव देंगे, वो इंसान और चाहेगा कि उसे और ज़्यादा भाव दिया जाए या उसे और ज़्यादा अटेंशन दिया जाए। इसीलिए आप इस फैक्ट को ध्यान में रखकर हमेशा खुद की वैल्यू करें। इसीलिए कहा जाता है, स्टार्ट वैल्यूइंग योरसेल्फ, द वर्ल्ड विल स्टार्ट वैल्यूइंग यू। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार आप अपने आप को जिस तरह से देखते हो, लोग आपको उससे बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। यानी आप अपने आप को मिरर में देखते समय जितना खुद को अट्रैक्टिव मानते हो ना, लोग आपको उससे 3 गुना ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। जी हाँ, और इसके पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि आप एक्चुअल में खुद को मिरर में देखते समय हर छोटी से छोटी चीज़ को देखते हो। आप अपने आप को पूरी तरह से ऑब्जर्व करते हो, बट लोग आपको पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो बारीकी से नहीं देख पाते। इस तरह आप अपने आप को जितना अट्रैक्टिव समझते हो, लोग आपको उससे 3 गुना ज़्यादा समझते हैं। फैक्ट नंबर 8, आर्ग्यू ग्रेसफुली। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला आपकी बात को बार बार बीच में काट रहा हो और अपनी बात को जोर जोर से बोलकर आप पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा हो, तो आपको इससे बिल्कुल अपोजिट करना है, ना कि उसकी तरह ऊंची आवाज़ में बोलना है। भाई, जब सामने वाला ऊंची आवाज़ में अपनी बात को रख रहा हो, तो आप धीमी आवाज़ में और विनम्रता से बोलकर अपनी बात को रखें, क्योंकि ऐसा करने पर सामने वाला इंसान जो आपकी बात काट रहा था, वो शर्मसार होकर ऑटोमेटिकली धीमे से बोलना शुरू कर देगा। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, क्या आपको पता है कि किसी इंसान के जीवन के 90% दुख दूसरे इंसान के जीवन को देखने के बाद प्रकट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट के साथ साथ आजकल की दुनिया की एक कड़वी सच्चाई भी है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों से नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के सुख को देखकर दुखी है। ये बढ़िया था गुरु। ऐसे लोग दुखी हैं क्योंकि दूसरे लोग सुखी हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी ज़िंदगी में दुख नहीं चाहते हैं, तो बस एक काम करिए, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए, खुद से कंपेयर करिए और हर दिन खुद का एक बेटर वर्जन बनाइए, तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। दूसरों से कंपेयर मत करिए, दूसरों को सुखी देखकर दुखी मत होइए। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, आप कभी ना कभी च्युइंगम जरूर चबाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका एक फायदा भी है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि च्युइंगम चबाने से हमारे ब्रेन में हिप्पोकैम्पस का रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और इसके साथ ही ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह भी बढ़ता है, और ऐसा होने से हमारे दिमाग की सेल्स एक्टिव रहती हैं और मेमोरी शार्प होती है और याददाश्त तेज होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन च्युइंगम ही चबाते रहो बिना कोई दूसरा काम किए, बट आप जब भी कभी च्युइंगम चबा सकते हैं तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। फैक्ट नंबर 5, सरमोशिनेशन। दोस्तों, ये दिमाग के साथ होने वाला एक ऐसा इंसिडेंट या ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसे हम सभी ने लगभग कभी ना कभी जरूर फील किया है। इसमें होता ये है कि आपके अंदर से अपने आप एक सवाल उठता है और आप अपने अंदर ही अंदर तुरंत अपने आप को उसका जवाब दे देते हो, और ये एक अजीब साइकोलॉजिकल स्टेट है, क्योंकि दिमाग में सवाल अपने आप ही आता है और उसका जवाब भी हम खुद अपने आप ही बिना किसी से पूछे, बिना किसी से बोले साइलेंटली दे देते हैं, और इसे ही साइकोलॉजिकली सरमोशिनेशन कहते हैं। दैट इज अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, यदि आप ज्यादा टेंशन या डिप्रेशन में हैं, तो आप इस साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप टेंस्ड या डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तो आप तुरंत अपने कमरे की सफाई करना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, और इसकी खास बात यह है कि ये खुशी का अनुभव कराता है, और ये एकदम 100% सही और आजमाई हुई ट्रिक है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, क्या आपको पता है कुछ लोग पीठ पीछे गॉसिप्स क्यों करते हैं, यानी पीठ पीछे बुराई क्यों करते हैं? तो साइकोलॉजी कहती है कि पीठ पीछे बातें करने वाले किसी एक इंसान से अप्रूवल लेना चाहते हैं या फिर किसी एक इंसान की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्मसम्मान खो देते हो, और ऐसे लोगों को आपकी आदत का पता चल जाएगा और वो लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे। ऐसा करने से लोग आपको एक टॉक्सिक यानी जहर की तरह समझने लगेंगे। समझ रहे हो?
इसीलिए पीठ पीछे गॉसिप्स करना छोड़ देना ही बेहतर है। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों क्या आपको पता है कि जब आप किसी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हाँ, और ऐसा आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर फील किया होगा, क्योंकि आप जब किसी को उसकी कड़वी सच्चाई कहकर उसे एडवाइस देते हो तो सामने वाला गुस्सा हो जाता है और वो आपको खुद का दुश्मन मान लेता है। आपने अपने बचपन में ये बात जरूर फील की होगी। एग्जाम्पल देता हूँ, आप अपने स्कूल के टाइम में उस टीचर को हमेशा अपना दुश्मन समझते थे जो आपको आपकी पढ़ाई की वजह से आपको डांटते थे या फटकारते थे, बट एक्चुअल में वो आपकी भलाई के बारे में सोचते थे। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों साइकोलॉजिकल स्टडीज कहती है कि टीवी या वीडियो देखने में दिमाग बहुत कम इस्तेमाल होता है और इससे दिमाग जल्दी डेवलप नहीं हो पाता, लेकिन किताबें पढ़ने और कोई चीज सुनने में दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल होता है, इससे ब्रेन जल्दी से डेवलप होता है। तो दोस्तों इसके पीछे का कारण ये है कि किताबें पढ़ने और कोई चीज़ सुनने में ज़्यादा इमेजिनेशन का यूज़ होता है, यानी हम ज़्यादा कल्पना कर पाते हैं और हम ज़्यादा सोच और समझ का यूज़ कर पाते हैं। इसीलिए यदि आप अपना दिमाग डेवलप करना चाहते हो तो टीवी या वीडियो और वर्चुअल स्टडी के साथ किताबें भी ज़रूर पढ़ें, यानी दोनों चीज़ों में बैलेंस बना करके रखें। तो दोस्तों अब बारी है बोनस फैक्ट की। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अंत तक पूरा देख लिया है और अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई है और आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई है और आप इस वीडियो को लाइक करना चाहते हो। और अगर आपने इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया तो आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको स्माइल आई या नहीं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट सबसे अमेजिंग और मजेदार लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही अमेजिंग और गजब की साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड लव यू ऑल।